जय हिंद साथियों, प्रहारी मुंबई न्यूज से मैं जावेद शेख। ऐसा आप जानते हैं, आज गांधी जयंती है। इस अवसर पर जो है कुम्हारवाड़ा वेलफेयर एसोसिएशन में जो है कि गोटाकी खेतवाड़ी नागरिक परिषद की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहाँ पर काफ़ी जो है कि सोशल वर्कर जो है लोग यहाँ पर आए हैं, मीडिया वाले यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ पर हमारे साथ जो बैठे हैं शोएब खतीब जी है, जामा मस्जिद के ट्रस्टी है, पूर्व चेयरमैन भी हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे, आज जिस तरह से गांधी जी के ऊपर जिस तरह से लोग स्पीच दे रहे थे, आज क्या देश में ऐसे माहौल है क्या जिस तरह से लोग बता रहे हैं? गांधी जयंती मना तो है लेकिन यहाँ पे जो माहौल चल रहा है, लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं समाज में, है इस तरह का? देखिए, समाज जो है वो गांधी जयंती ने जिस तरीके का आंदोलन किया था उसकी वजह यही थी कि जब समाज के अंदर बिगाड़ आ गया था और कहीं पर हम गुलामी की जंजीरों में चढ़ गए थे तो एक आंदोलन लेके चले थे। आज वो दौर फिर से आ गया है कि हम जो है कहीं ना कहीं गुलामी की जंजीरों में आ गए और इस गुलामी की जंजीरों में आज की इस गांधी जयंती के दिन पर जो है हम ऐलान कर दें कि हमको फिर से एक मरतबा सत्याग्रह आंदोलन शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दौर है ये नफरत का दौर है। सियासतदानों ने इसको फैलाया है। आम पब्लिक जो है ये सिर्फ मोहब्बत की बात समझती है और मोहब्बत करती है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, लेकिन सियासतदान जो है वो अपनी सियासी मुफाद के लिए किसी हद तक के भी चले जाते हैं, जिसकी जो जिंदा मिसाल है वो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो लीडरान है वो खुलकर जो है नीतीश राणा जी जो है वो खुलकर जो है वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि जिससे एक चीज़ समझ में आ गई कि वो सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं। तो इस तरीके की राजनीति के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं गांधी जी के जो पैगाम है उसके ऊपर चलना पड़ेगा। जिस तरह बाबा साहब का संविधान है और महात्मा गांधी जी है, तो आपको ये नहीं लगता कि एक भारत में दो भारत दिख रहा है आपको? क्योंकि यहीं पर एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश की अवहेलना की जा रही है, जो है कि बुलडोजर चलाया जा रहा है एक विशेष समुदाय के ऊपर, चाहे वो काउंटर किया जा रहा हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, उसको 500-500 साल पुरानी है, 1200 साल पुरानी है, उसको जो है कि ध्वस्त कर दिया जा रहा है, तो क्या माना जाए इसको? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है वो आज हमारे हुकूक की आवाज़ उठाने वाले लोग कहाँ है। हम जिस संविधान की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से गांधी जी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट रहे, असेंबली रहे, या स्टेट गवर्नमेंट रहे, या सेंट्रल गवर्नमेंट रहे, वहाँ पे माइनॉरिटी की कितनी संख्या है उसकी एक जिंदा मिसाल पिछले इलेक्शन में हमने देखे थे। जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, 48 सीट थी महाराष्ट्र की, एक भी मुसलमान को सीट नहीं दी गई। जब एक भी सीट आप मुसलमान को नहीं देते और जब मुसलमान चुनकर पार्लियामेंट में नहीं जाता, या वो समुदाय जो माइनॉरिटी के अंदर है वो समुदाय जब चुनकर नहीं जाएगा तो वो अपने हक की बात कैसी करेगा? जाहिर सी बात है, कहीं हमको अगर हमारी हक की बात करनी है तो हमको उस मुकाम पर पहुंचने के लिए हमको वहीं कहीं ना कहीं उस जगह पे बैठना पड़ेगा, तो ही हम हमारी हक की बात रख सकते हैं। इस तरह से भी आपने बीजेपी के बारे में भी कहा और कांग्रेस के बारे में, तो क्या माना जाए कि दोनों एक ही सिक्के के एक ही पहलू है? जी बिल्कुल, हमारे को तो यही लगता है, क्योंकि हमने पिछले दो रोज पहले जो एक आर्टिकल डाला था उसके अंदर यही लिखा था कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों की और माइनॉरिटी की खुलकर दुश्मन है, क्या कांग्रेस जो है वो आस्तीन का सांप है? हमारा ये कहीं ना कहीं एक नज़रिया समझ में नहीं आता है कि जो जिस तरीके से आज हालात चल रहे हैं तो कांग्रेस जहां पर अगर अपने आप को जो है वो एक मुसलमानों की या माइनॉरिटी की जो एक पार्टी बताकर अपने वोट को हासिल करने की कोशिश करती है, तो जब ऐसे कोई मौके आते हैं तो उस मौके पे किसी भी कांग्रेसी लीडर जो है वो खुलकर मुखालिफत क्यों नहीं करता है बीजेपी हुकूमत की या गवर्नमेंट की? तो इससे एक बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं ये जो है दोगली पॉलिसी चल रही है और हम आज इस दिन के अंदर जो है इसका मुखालिफत के लिए हम ऐलान करते हैं कि हम जो है वो मोहब्बत की हवा को चलाएंगे। इसके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे साथ जुड़ेंगे इंशाल्लाह और आने वाले असेंबली इलेक्शन में इसके असरात दिखेंगे। कभी तो आपने देखा कि हमारे साथ शोएब खतीब थे, इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो अपने आप को सेकुलर का दम भरती है, कहीं कहीं नहीं कहीं वो दोगली पॉलिसी करती है। कैमरामैन महाजब के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई से।